हेलो गाइस, मेरा नाम है शिजांग बेलवाल। ये है मेरे पास रेडमी नोट 11 और इसके अंदर आ गया है एक नया अपडेट। चेक करते हैं उस अपडेट के बारे में कि क्या है और क्या नहीं है इस अपडेट के अंदर, क्या हमें नया मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में और पूरी वीडियो अंत तक। रेडमी नोट 11 प्रो खरीदेंगे तो आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स 13.0.3 और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन होगा वो होगा एंड्रॉयड 11। एक फास्ट वाईफाई से आप कनेक्ट कीजिए और इंस्टॉल पे इसको लगाते हैं। तो अभी जो हमें मिलता है वो MIUI 13.0.11.0 मिलता है, जो कि है 557 MB का। और जो अपडेटेड ऐप्स हैं वो यहाँ दिखाएगा और एंड्रॉयड सिक्योरिटी ऐप जो पैच है ये चेंज करता है, जो कि जून 2022 तक ले आएगा। इंक्रीजिंग सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी और कोई भी एंड्रॉयड अपडेट इसके अंदर हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। अभी देखना होगा कि इस अपडेट्स के बाद इस फोन के अंदर क्या होता है या फिर ये और ख़राब होगा, क्योंकि जनरली मेरे पास जो रेडमी नोट 10 प्रो था वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया था, मतलब दिक्कत दे रहा था। इसको लगाते हैं अपडेट में, फ़ोन को अपडेट करते रहना चाहिए और देखते हैं कि ये कितनी देर में अपडेट होता है और कितना टाइम इसको इंस्टॉलेशन में लगेगा। लोड तो ये हो गया था थैंक्स टू माय जियो फाइबर इंटरनेट और ये अपडेट बिना रीस्टार्ट हुए अपने आप को ऐसे ही अपडेट कर रहा है। तो ये कुछ नया मैं देख रहा हूँ, देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है ये। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो अपडेटिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई है और अब फोन को करेंगे हम रिबूट। तो इसको रिबूट होने देते हैं और रिबूट के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना टाइम इसको लगेगा। और हो सकता है कि इसको अपडेट करने के बाद तुरंत एक और अपडेट आ जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि शायद एंड्रॉइड 12 रेडमी नोट 11 में आ गया है। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं इसमें कुछ भी छेड़ नहीं रहा हूँ। डेड हो गया है फ़ोन, शट डाउन हो गया, कोई भी साइन नहीं दिख रहे हैं लाइफ के। लेकिन जस्ट अभी एक MI का लोगो आया और लेट्स सी कि क्या होगा। तो गाइस, इसको होने देते हैं अपडेट और अपडेट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन जो था वो हो गया था अपडेट और विद इन 10 सेकेंड्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 सेकेंड्स के अंदर ये जो फ़ोन था ये रिबूट हो गया था और फ़ोन अच्छे से अपना इंस्टॉल कर चुका है अपना अपडेट्स। तो हम जाके सेकेंड सेटिंग्स पर चेक करते हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं 13.0.11.11 हमें यह वर्जन मिल जाता है MIUI 13, जिसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन अभी भी एंड्रॉयड 11 ही है, जो कि सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि एंड्रॉयड 12 इसके अंदर आ जाना चाहिए, और क्योंकि रेडमी नोट 11 बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज़ है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज़ है, लेकिन स्टिल इस फ़ोन के अंदर हमें एंड्रॉयड 12 नहीं मिलता है। चेक करते हैं कि कोई नया अपडेट, तो कोई भी नया अपडेट हमें देखने को नहीं मिलता है। शायद इसकी कोई अनस्टेबल रोम जो है वो एंड्रॉयड 12 के लिए आ गई है, वो मैं इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं करता हूँ ग्लोबल वर्जन इंस्टॉल। तो ग्लोबल वर्जन का वेट करते हैं। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि 22.6.1 मतलब 6.1 जून का ये आ चुका है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो गाइस, फ़ोन के अंदर सिर्फ यही चीज़ चेंज हुई है, बाकी मैं अभी जो फील कर रहा हूँ जैसे पहले चल रहा था MIUI 0.3 पे, वैसा ही अब चल रहा है। बस मुझे जो क्रिटिसाइज़ करने वाली चीज़ है वो ये है कि एंड्रॉयड 12 अभी तक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला, बाकी सारी चीज़ें सेम ही चल रही है। सेम फ्लूडिटी है फ़ोन के अंदर, 90Hz डिस्प्ले, इसकी पूरी एक एग्जैक्ट मैंने रिव्यू बना के डाल रखा है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।